थोड़ी देर में चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा, सुरक्षा और मतदाताओं की सुविधा पर होगी बातचीत। नए चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी वक्त ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। आज से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं पीएम मोदी, 2 दिन में 3 राज्यों का करेंगे दौरा। हैदराबाद में रोड शो होगा। दोपहर 1 बजे केरल के पथनमथिट्टा में बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के समर्थन में करेंगे रैली। कन्याकुमारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे मलकाजीगिरी में पीएम मोदी का रोड शो होगा। रोड शो के बाद हैदराबाद राजभवन में करेंगे विश्राम। आज असम के नागांव में बारदोवा परियोजना का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 2021 में गृहमंत्री ने रखी थी आधारशिला। होजाई में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आज नागपुर में आरएसएस की अहम बैठक। 3 दिन तक चलने वाली संगठन की बैठक में पंच परिवर्तन पर चर्चा होगी। नए सरकारवाह का चुनाव होगा। 16 मार्च को भुवनेश्वर में ओडिशा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी बीजेडी गठबंधन को लेकर चर्चा जारी। फॉर्मूला तय करने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा। आज गुजरात के बड़ौदा में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल। भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज विस्तार संभव। 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी ने अपने मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। शिंदे शिवसेना आज कर सकती है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 4-5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। कल्याण से फिर श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं उम्मीदवार। हरियाणा में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। अनिल विज समेत निर्दलीय विधायक ले सकते हैं शपथ। सीएम नायब सैनी अपने पास रख सकते हैं गृह विभाग। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु। शुभेंदु बोले, चुनाव में बुरी तरह हार रही है टीएमसी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चोट पर एसएसकेएम अस्पताल का बयान कहा, ममता को पीछे से दिया गया धक्का, माथे और नाक में आई चोट। डॉक्टरों के बयान के बाद शुरू हुई जांच। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। चीफ जस्टिस ने एसबीआई को दिया आदेश। बॉन्ड की खरीद की तारीख और बॉन्ड नंबर का करे खुलासा। यूपी में सफाई मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की छात्रा गिरफ्तार। लड़की को गाड़ी में ले जाकर बेदर्दी से की थी हत्या। मुंबई में ऑटो स्टैंड पर यात्री की पिटाई पर विवाद। ऑटो चालकों ने मिलकर की थी पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने दिए जांच के आदेश। श्रीनगर की फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी। आग में लाखों का सामान जलकर राख। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। पुणे के गंगा धाम में खाली कंपाउंड में भीषण आग। कंपाउंड में खड़ी 17 गाड़ियां जलकर खाक। आग लगने की वजह का पता नहीं चला। कुल्लू के सोलंग नाला में भारी बर्फबारी। पहाड़ पर कई इंच तक गिरी बर्फ। बर्फ से सफेद हुआ पूरा इलाका। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस की मौजूदा एमएलए राजकुमार चब्बेवाल ज्वाइन कर सकते हैं आम आदमी पार्टी। विधानसभा में डिप्टी एलओपी भी हैं राजकुमार। पटना में सचिवालय थाने के पीछे एमएलसी आवास में युवक की लाश से सनसनी। हाथ पैर बांधकर टंगा मिला निर्माणाधीन क्वार्टर में युवक। जांच में जुटी पुलिस। पालतू कुत्तों के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। केंद्र ने खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर लगाई रोक। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता। दिल्ली में 94.72 रुपए तो मुंबई में 104.31 रुपए मिलेगा पेट्रोल। लोगों ने जताई खुशी। यूक्रेन जंग के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 17 मार्च तक होगी वोटिंग। पुतिन 5वीं बार सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त।